शराब की दुकान में रात 12 बजे ग्राहक बनकर पहुंचे एसडीएम। ऊंचे दाम में बेची जा रही थी शराब, दुकान को किया सीज। आचार संहिता के उल्लंघन के साथ दुकान से शुरू थी कालाबाजारी, एसडीएम को समझा ग्राहक, दुकान में लग गया ताला। कंपोजिट शराब दुकानों में देर रात तक शराब बेचने की मिल रही शिकायत के बाद बीती रात एसडीएम अनुराग तिवारी खुद थोड़ी देर के लिए शराबी बनकर शराब की बोतल खरीदने दुकान पहुंच गए। बकायदे दुकानदार ने उन्हें शराब दी और प्रिंट रेट से अधिक मूल्य की मांग करने लगा। यही नहीं, दुकानदार ने कहा रात का यही रेट है, फिर क्या था, देखते ही देखते दुकान में ताला जड़ गया। दरअसल बीती रात पीटीए स्थित कंपोजिट शराब दुकान में देर रात तक शराब बेचने की सूचना मिली थी, जहां एसडीएम अनुराग तिवारी भी खुद ग्राहक बनकर पहुंचे थे। देखा कि रात 12 बजे के करीब आधा शटर खोलकर शराब दुकान संचालित हो रही थी। आचार संहिता लागू होने के बावजूद ओवर रेट और ओवर टाइम में शराब की बिक्री करते स्वयं एसडीएम ने पकड़ा, जिसके बाद शराब दुकान को सीज कर दिया है। फ्लाइंग स्क्वायड दल के साथ एसडीएम अनुराग तिवारी, तहसीलदार शिव शंकर शुक्ला, आबकारी उपनिरीक्षक मनोज बेलवंशी सहित एक एसआई कार्रवाई में शामिल रहे। बताया जा रहा है कि पीटीए स्थित शराब दुकान का लाइसेंस नॉर्विच ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड का है। फिलहाल दुकान को सीज कर दिया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। दुकान सीज की गई इतनी देर रात, तो क्या वजह थी, क्या कारण? आज एफएसटी के साथ भ्रमण के दौरान, जबकि आचार संहिता लागू है, हम लोग लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ पर जब जैसे गुजर रहे थे तो देखने में आया कि शटर, आधा शटर इनका खुला हुआ है और इसमें हम लोगों ने जब दुकान का दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने कहा क्या काम है और ये सब चीज़ें, और उसके बाद ये दुकान में शराब बेचता हुआ और अधिक दर पर शराब बेचता हुआ, अवैध रूप से शराब बेचता हुआ पाया गया। मौके पर उपस्थित रहकर यहाँ पर मेरे साथ में आबकारी उपनिरीक्षक हैं, तहसीलदार साहब हैं, हमारी एफएसटी की पूरी टीम है, हम लोगों ने मिलकर कार्रवाई की है और इनका जो अवैध रूप से ये मदिरा बेच रहे हैं इस पे कार्रवाई करके दुकान को सीज किया गया है और आगे की कार्रवाई हम लोग आबकारी विभाग के माध्यम से कर रहे हैं। किसी को गिरफ्तार भी कर रहे हैं? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं है, केवल दुकान पर जो वैधानिक कार्रवाई नियमों के तहत होती है वो की जाएगी।